सो हे एवरीबडी, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है इस वर्ल्ड कप का एक और दिन। आज खेला जाएगा मैच नंबर 9 बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एट अरुण जेटली स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। और इस मैच के बारे में बात करने से पहले हम बात करेंगे कल के मैचेस के बारे में। कल इस वर्ल्ड कप का एक डबल हेडर डे था, जिसमें पहला मैच हुआ था इंग्लैंड और बांग्लादेश का। भाई, इंग्लैंड ने बांग्लादेश को क्या धोया है कल के मैच में। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये मैच खेला जा रहा था धर्मशाला के क्रिकेट स्टेडियम में, और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग करने का बुलावा दिया। इंग्लैंड ने बैटिंग करते हुए भाई बनाए 364 रन्स इन 50 ओवर्स एट लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अगर हम बात करें इस इनिंग्स के टॉप रन स्कोरर की, तो वो थे इंग्लैंड के डेविड मलान, जिन्होंने बनाए 140 रन्स। अगर हम बात करें इस इनिंग के टॉप विकेट टेकर की, तो वो थे मेहंदी हसन, जिन्होंने लिए 4 विकेट। तो अगर हम बात करें इस मैच के सेकेंड इनिंग्स के बारे में, तो सेकेंड इनिंग्स बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी कुछ खास नहीं रही, क्योंकि बांग्लादेश केवल 227 रन्स पर ऑल आउट हो गई। और अगर हम बात करें इस इनिंग्स के टॉप रन स्कोरर की, तो वो थे लिटन दास, जिन्होंने 76 रन्स बनाए। और अगर हम बात करें टॉप विकेट टेकर की, तो वो थे टॉपले, जिन्होंने 4 विकेट झटके। और इस तरह से ये मैच इंग्लैंड ने 137 रनों से जीता। ये तो हुई मैच नंबर 7 की बात। अगर हम बात करें मैच नंबर 8 की, जो कि खेला गया पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में, तो ये मैच खेला जा रहा था हैदराबाद में, और श्रीलंका ने टॉस जीतकर इस मैच में पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 344 रन्स एट लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अगर हम बात करें इस इनिंग के लीडिंग विकेट टेकर की, तो वो थे हसन अली, जिन्होंने 4 विकेट झटके। अगर हम बात करें लीडिंग रन स्कोरर की, तो वो थे कुशल मेंडेस, जिन्होंने 126 रन बनाए। तो अगर हम बात करें इस मैच के सेकेंड इनिंग्स के बारे में, तो सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान ने ये जो 345 का विशाल टारगेट है, वो बड़े आराम से चेज़ कर लिया। उन्होंने ये टारगेट 48.2 ओवर्स में चेज़ कर लिया, और उनका फाइनल स्कोर था 345 रन्स फॉर 4 विकेट्स। अगर हम बात करें इस इनिंग्स के लीडिंग रन स्कोरर की, तो वो थे मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 131 रन नाबाद बनाए। और बाबर आजम इस वाले मैच में भी उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने केवल 10 रन बनाए। अगर हम बात करें श्रीलंका की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर की, तो वो थे मधुशंका, जिन्होंने 2 विकेट झटके। बहरहाल, इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने मोहम्मद रिजवान, उनके 131 रन की वजह से, जिन्होंने पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के टेबल पे नंबर 2 पे लाकर खड़ा कर दिया। तो ये तो हो गई कल के मैच के बारे में बात। अगर हम बात करें आज के मैच के बारे में, तो आज का मैच है मैच नंबर 9 बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान एट अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली। तो भाई, मैं इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर आप क्रिकेट नर्ड हो, क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, तो आपको पता ही होगा कि IPL में RCB और लखनऊ का मैच हुआ था, तो क्या हुआ था। विराट कोहली और नवीन उलहक के बीच में थोड़ी सी अनबन हो गई थी ऑन द फील्ड। तो तब से कई सारे फैंस इंक्लूडिंग मी वेट कर रहे थे कि विराट वर्सेस नवीन उलहक हो। होपफुली इस मैच में हमें ये मैच अब भी देखने को मिलेगा, और भाई मैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अगर हम इस एनकाउंटर से पहले, जो इनका एनकाउंटर हुआ था 2019 में, क्योंकि ये दोनों टीम 1983 और 2011 में तो भिड़ी नहीं थी एक दूसरे से, तो 2019 में जो इनका वर्ल्ड कप में एक एनकाउंटर हुआ था, वो भाई वो तो कोई भूल ही नहीं सकता। अफगानिस्तान ऑलमोस्ट अपनी पहली वर्ल्ड कप विन रजिस्टर करने के पास में थी, पर मोहम्मद शमी ने उनके सपनों पे पानी फेर दिया। मोहम्मद शमी आए, उन्होंने अपने शायद लास्ट ओवर था वो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, उसमें भाई उन्होंने हैट्रिक ले ली, और अफगानिस्तान ऑल आउट हो गई, और अफगानिस्तान के सपने सपने ही रह गए। और तब से अफगानिस्तान अपनी पहली वर्ल्ड कप विक्ट्री की तलाश में है। So with that being said, we'll wrap up this video here. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Until then, thanks for watching.